दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लॉसी ट्रिप्स में। हम आ गए साडा पिंड में। ये है कुछ आसपास के नज़ारे, पंजाबी कलाकृतियाँ। अभी हम अंदर जाएंगे, 10:30 की टाइमिंग है। अंदर जाके कुछ और मजे करेंगे अनिल जी के साथ। तो दोस्तों चलो चलते हैं, इंजॉय करेंगे अंदर पंजाबी कल्चर को। साडा पिंड को छोटा पंजाब भी कहा जाता है। अंदर बहुत सारी पंजाबी एक्टिविटीज़ हैं हमारे लिए, पंजाबी खाना है। मैं और अनिल जी आज यहाँ पे एंजॉय करेंगे पंजाबी खाना, पंजाबी एक्टिविटीज़, पंजाबी कल्चर को। तो चलो चलते हैं। सगनदीप जी हमारे साथ साडा पिंड से। हेलो सगनदीप जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लॉसी ट्रिप्स में। थैंक यू सर। तो कुछ खास चीज़ बताइए आपके यहाँ की जो आज हम एंजॉय कर पाएंगे। सर, आज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा एक 50 से 60 साल पुराना लाइब्रेरी बना है, जिसमें आपको कल्चरल एक्टिविटी जो भी है सब आपको देखने के मिलेगी। लाइट से चलते हैं, वो देखने के लिए मिलेगी। पूरा विलेज बना है, आप टर्न बाई टर्न एक जगह जाके आप घर देख सकते हैं। जैसे फार्मर हाउस है, सरकारी हाउस है, सरपंच का हाउस है, वहाँ पे आपको अलग अलग जीवन देखने को मिलेंगे। जैसे आप फार्मर हाउस जाओगे, वहाँ पे आपको रोटी रोटी सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट लस्सी मिलेगी। थोड़ा आगे सरपंच का हाउस है, वहाँ पे आपको बाजरे की खिचड़ी मिलेगी खाने के लिए। मेला ग्राउंड है, वहाँ पे आपको लाइव शो देखने के लिए मिलेंगे। जैसे मॉकटॉक हुआ है, मॉकटॉक खेल है, पपट शो है, रॉक शो है, बाजीगर शो है, ये आपके सभी देखने के लिए आप इन्जॉय करोगे। मैं आज पंजाबी कल्चर का मज़ा आने वाला है, क्या मज़ा आएगा आपको पूरा, और आपको मेमोरेबल रहेगा। गंदीप जी, जैसे आपने बताया कि आप सब कुछ अंदर आइटम्स पेड हो चुके हैं, इससे पहले जब हम आए थे तब मक्के की रोटी और आपके इंक्लूडेड है, कंफ्यूजन दूर हो गया। बताया गया था कि सब कुछ पेड हो चुका है, सिर्फ आपका पेड है। जैसे कि कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, जूस भी आपका जो पेड रहेगा, जिस तरह वो पेड रहेगी। अंदर शॉप से कुछ खरीदते हो तो वो अपना आपको पे करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सगनदीप जी हमारे साथ बात करने। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हमने टिकट ले लिया है। इस तरीके के ये बैंड मिलते हैं, ये आपके लंच या डिनर के लिए आपको टाइप कर दिए जाएंगे। ये फ्री राइड के कूपन हैं और ये आपके रिसिप्ट हैं जो हमने लिए हैं अपने टिकट के लिए। तो दोस्तों यहाँ मिलती है आपको ठंडी ठंडी लस्सी, दही वाली लस्सी, और यहाँ जहाँ आप सामने देख रहे हैं अनिल जी लेने गए हैं, यहाँ मिलती है आपको सरसों का साग और मक्के की रोटी। ये आप पूरे दिन में कभी भी आके खा सकते हैं, ये अनलिमिटेड है, फ्री है, जितनी बार भी आपका मन करे आप खा सकते हैं। ये आप देख रहे हो यहाँ पे चूल्हे पे रोटी बनाई जा रही है। आप यहाँ पे सरसों का साग और मक्के की रोटी ले सकते हैं, और आपको यहाँ पे गुड़ भी दिया जाता है। पंजाबी खाने का टेस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, आप पंजाबी खाने को यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। पंजाबी खाने का एक अपना ही अलग मज़ा है, अलग ही टेस्ट है। साडा पिंड में आके आप पूरे पंजाबी खाने को अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। ये अनिल जी लेके आ रहे हैं 2 प्लेट, एक मेरी और एक अपनी, और हम खा के बताएँगे यहाँ पर आपको कि कैसा लगा टेस्ट। पंजाबी स्वाद आ रहा है, सरसों की रोटी, गर्म गर्म साग और मक्के की रोटी की बात है, तो स्वाद है।
दोस्तों ये गैस पे बनी हुई नहीं, बिल्कुल देसी विधि से चूल्हे पे बनाई गई रोटी खिला रहे हैं। साग के साथ में गुड़ भी दिया गया है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ आए हुए हैं कुछ स्कूल के बच्चे पंजाबी कल्चर को एंजॉय करने, पंजाबी खाने को एंजॉय करने। ये पूरी स्कूल बस भर के आए हुए हैं यहाँ पे टीचर्स के साथ। और जी मालको तबीयत ठीक ने, मौजा चल रही है। ਅੱਜਾ ਵੇਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਕੋਈ ਕਬਰੀ ਦੇਖੋ, ਵਧੀਆ ਪਿੰਡ ਆ। ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕੁੱਟੀਆਂ, ਅਨਿਲ ਜੀ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ। ਫੁੱਲ ਇਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਾ ਰੂਮ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਹਮਾਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਔਰ ਰਹਿਤੇ ਥੇ। ਫੁੱਲ ਇਹ ਰੂਮ ਬਣਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਖਾਟ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। तो दोस्तों आपको एक राज की बात बताता हूँ, अनिल जी अब एक ऐसी चीज़ लेने जा रहे हैं जो आप मतलब इन्होंने खुद मॉडिफाई करी है, खुद बनाई है पूरी फैमिली के लिए। अभी आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने क्या बनाया है। दोस्तों ये अनिल जी ने बनाया है अपना गोलमाल वाला खुद का स्कूटर। अब ये गोलमाल पार्ट टू बनाएंगे। तो अनिल जी कौन सा करेक्टर निभाओगे, अजय देवगन वाला या तुषार कपूर वाला? और पूरी फैमिली को अपने फ्रेंड्स के साथ लेके जाऊंगा। बहुत देखो इन्होंने ये खुद मॉडिफाइड करा है, खुद बनाया है। रिटायरमेंट की उम्र, अब रिटायरमेंट में देख लो कैसे लोग झूलते हैं। अनिल जी ले रहे फुल झूलने के मजे। तो अनिल जी रिटायरमेंट के बाद क्या प्लान है, ऐसा एक झूला खरीदोगे? जी बिल्कुल, टेरेस पे झूला लगा होगा और मियां बीवी आराम से बैठकर झूला झूलेंगे। तो दोस्तों ये है सरपंच की कोठी के आसपास की नज़ारा, ये अनिल जी खड़े हुए हैं। अब हम जा रहे हैं अंदर सरपंच की कोठी में, वहाँ जाके टेस्ट करेंगे बाजरे की खिचड़ी देसी घी के साथ। अभी मैं आपको अंदर का नज़ारा भी दिखाता हूँ। तो ये अनिल जी अंदर जा रहे हैं। दोस्तों ये पूरी अंदर सरपंच की कोठी बनी हुई है साडा पिंड में। ये कुछ पुराने सामान रखा हुआ, पुराने टाइम का टीवी, घड़े, ये हम खाट बिछी हुई है यहाँ पे। ये आसपास का आप रूम का नज़ारा देख सकते हैं, पुराने टाइम पे ऐसे ही रूम हुआ करते थे। और ये चरखा काटते हुए आपने देखा होगा, काफ़ी पहले के ज़माने में ऐसे चरखा काटते थे, रुई के साथ रुई को पिंजते थे। ये चरखा काट रही है आंटी जी। ये सरपंच की कोठी के अंदर ही है, आप जाके यहाँ पे ये सब चीज़ें देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। कितना अच्छा नज़ारा है ना ये। दोस्तों ये है पुराने ज़माने का फैन, एक केरोसिन से चलता था। जिस वक्त यहाँ दुनिया में लाइट नहीं होती थी तब ये केरोसिन के दिए से ही मूविंग करता था। आज तक आपने इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, दुनिया जहान के आइटम देखी होंगी, लेकिन हमारे पुराने ज़माने में ये केरोसिन से चलने वाला वाटर गीजर। अनिल जी की थोड़ी तरक्की हुई है, बाइक छोड़ के अब गाड़ी पे आ गया, लेकिन ये भी इनकी खुद की मॉडिफाई करी हुई है।
आप देख लो, इन्होंने ऑटो और पता नहीं क्या मिक्स करके ये गाड़ी बनाई है। बस अभी थोड़े दिन में विंटेज कार है, मॉडिफाई नहीं की है, ओरिजिनल है, राजा महाराजा से खरीद के लाया हूँ। दोस्तों ये अनिल जी का नया रूप, पंजाबी स्टाइल। यहाँ मिल रहे हैं फ्री अमृतसरी मट्ठी छोले और ये अनिल जी खड़े हैं स्टॉल पे, बनवा रहे हैं अपने फ्री अमृतसरी मट्ठी छोले और गर्मा गर्म छोले और खस्ता खस्ता मट्ठी। बताइए अनिल जी टेस्ट करके कैसा? उन्होंने तो लॉट ऑफ ऑनियंस डाले हैं। कैसा टेस्ट? बढ़िया। वाह, तो शिमले की चटनी लगा रखी है और ग्रीन वाली चटनी भी विद ऑनियंस। गौरव जी जा रहे हैं हॉर्स राइडिंग के लिए और देखिए ये डायरेक्ट चढ़ने के बजाय स्टेयर्स पर जाकर कंफर्टेबली चढ़ रहे हैं। वेरी गुड। ये रकाब में पांव फंसा लिए हैं गौरव जी ने और अब ये चलने को तैयार। वाव, ये गौरव जी सेल्फ राइडिंग करते हुए। वेरी गुड। तो दोस्तों मेरे बाद अब अनिल जी जा रहे हैं हॉर्स राइड के लिए। हॉर्स राइड का आपको बता देता हूँ, 50 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं ये एक राउंड के लिए। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आगे जो झूले वाला एरिया बना हुआ है वहाँ से वापस लेके आते हैं। इस पूरे राउंड का ये 50 रुपये पर पर्सन लेते हैं। बहुत अच्छी और कंफर्टेबल राइड रहती है ये, बहुत मज़ा आता है। तो आप जब भी जाएँ साडा पिंड में तो हॉर्स राइड के मज़े ज़रूर लेके आएँ। हॉर्स राइडिंग का एक अपना ही अलग मज़ा है। तो दोस्तों ये अनिल जी वापस आते हुए अपना एक राउंड पूरा करके, कितने मज़ेदार राइड लग रही है ना सामने से देखने में। और ये देखिए ये सेल्फ चलाने का मौका भी दे देते हैं, लेकिन अगर आप छोटे बच्चे हैं या आपके साथ छोटा बच्चा है तो आप इन सेफ्टी का ध्यान रखिए और उनके साथ साथ ही चलिए। गौरव जी शूटिंग कर रहे हैं, मिस कर दिया। वाह, एक्टिविटी की तरफ अनिल जी बॉल लेके खड़े हैं, अपने दांत तोड़ेंगे। चलो तोड़ो जितने टूटते हैं। दो मेरे लिए छोड़ देना, दो मेरे लिए छोड़ दो।
तो दोस्तों ये जो एक्टिविटी है ये आपके टिकट में इंक्लूड रहती है। आपको एक कूपन दिया जाता है, एंट्री जब आप करते हैं उसमें टिकट आपको मिलती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना होता। अनिल जी ले रहे हैं फ्री हेड मसाज। फ्री हेड मसाज की फैसिलिटी है, ये है फ्री हेड मसाज। वीर जी कर रहे हैं, वीर जी क्या नाम है आपका? विष्णु जी कर रहे हैं फ्री हेड मसाज। यहाँ पे आके ये एक रिलैक्सिंग एरिया है, यहाँ पे आके फ्री हेड मसाज कर सकते हैं, यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं आके। यहाँ पे खाट बिछी हुई है, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। आप अपने फैमिली के साथ आपके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। गौरव जी कंचे खेलते हुए ये खेलने के स्टाइल से लग रहा है बचपन से कंचे ही खेलते आ रहे हैं। है गौरव जी कंचे खूब खेलते हो हाँ।
दोस्तों ये गाड़ी में आप देख रहे हैं पंजाबी स्टाइल में दूल्हा दुल्हन कैसे तैयार होते हैं, पंजाबी कल्चर को शो करते हैं। ये राइड आपको शाम को देखने को मिलेगी। आप इस राइड को शाम को एंजॉय कर सकते हैं। इनके साथ बैठ के आप फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं, आप वीडियो भी ले सकते हैं। बहुत मज़ा आता है इनके साथ। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, पुराने ज़माने में लोग बायोस्कोप देखा करते थे, पिक्चर्स को देखा करते थे म्यूज़िक के साथ। ये पुराने ज़माने का एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि सरदार जी भी प्ले कर रहे हैं। ये अंदर से लेंस से आपको देखना होता है, लेंस से कुछ ऐसा दिखता है ये अंदर से। इसके साथ साथ म्यूज़िक चल रहा होता है, फुल इन्जॉयमेंट हो रहा होता है। बायोस्कोप का देखने का अपना एक अलग ही मज़ा है। तो दोस्तों ये है यहाँ का डीजे एरिया, यहाँ पे आके आप डांस कर सकते हैं इनके साथ। बहुत सारे यहाँ पे कल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, शाम को भांगड़ा होता है, डांस होता है, अलग अलग गानों पे इनके अपने कलाकार हैं जो अपने डांस परफॉर्मेंस दिखाते हैं। आप उनके साथ आके डांस कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। अगर आप डांस के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है, सही है। आप यहाँ पे आइए, अपना डांस इन्जॉय कीजिए, अपनी इवनिंग को बेहतर बनाइए और अपने परिवार के साथ इन्जॉय कीजिए। यहाँ पे पूरा खाट वाट बिछी हुई है, आप आराम से बैठ के देख के इन्जॉय कर सकते हैं इनके साथ। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं अपना डिनर करने। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ पे आप लंच और डिनर दोनों कर सकते हैं। खाने की जो टाइमिंग है वो 10:30 मॉर्निंग से लेके 9:00 इवनिंग तक अवेलेबल है। आप कभी भी जाके अपना बुफे इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर जाके अपना बुफे इंजॉय करते हैं। तो दोस्तों ये है इवनिंग का नज़ारा साडा पिंड का। पीछे झूले लगे हुए हैं, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, अच्छे खासे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये यहाँ का पार्क एरिया है, बैठने की जगह है यहाँ पे, अच्छा खासा बड़ा एरिया दे रखा है। आप यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, अपनी इवनिंग इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा साडा पिंड का ब्लॉग। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी सारी दिखाई हुई एक्टिविटीज़ पसंद आई होगी। अपने फैमिली के साथ आके यहाँ पे कोई पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं। हमने भी अपना यहाँ पे पूरा दिन स्पेंड करा, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने पूरा पंजाबी कल्चर इंजॉय किया, पंजाबी खाना इंजॉय किया है। मैं मिलूँगा आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।